नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्लेब रेट्स। जी हां दोस्तों, यदि आप फुटवेयर इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री या गारमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं या काम करने वाले हैं, तो आपके लिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि अलग अलग स्टॉक आइटम की प्राइस के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग टैक्स रेट किस तरह से सेट करेंगे, और यदि हमें अपनी सेल्स इनवॉइस पर डिस्काउंट ऑफर करना हो, अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देना हो, तो डिस्काउंट का अमाउंट लेस होने के बाद हमें उस पर जीएसटी चार्ज करना होता है। तो आज की वीडियो में इन सारे पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गेटवे टेली में खड़े रहते हुए अपनी कंपनी में जीएसटी को इनेबल कर लेना है, टैक्सेशन फीचर में चलना है। यहाँ आप जीएसटी यस कर लीजिएगा, जीएसटी की सारी डिटेल फिल आउट कर दीजिएगा और इसे सेव करते हुए आपको बाहर आ जाना है। इसके बाद आपको कॉमन लेजर्स क्रिएट करने हैं, जो कि परचेज, सेल्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी और पार्टीज के लेजर्स होंगे। उसके बाद आज हमारा टॉपिक जीएसटी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्लेब रेट्स है, और उसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर करना है। दोस्तों, हम आज ब्रांडेड क्लोथ का एग्जांपल ले रहे हैं। ब्रांडेड क्लोथ इंडस्ट्री के अंदर यदि कोई आइटम 1000 की रेट से कम का है तो उसके ऊपर 5% जीएसटी चार्ज होता है, और 1000 रुपये के ऊपर का कोई आइटम आप सेल आउट करते हैं तो उस पर 12% जीएसटी हमें चार्ज करना होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो इन्वेंट्री क्रिएट किया है उसमें मैंने दो आइटम क्रिएट किए हैं, एक जींस और एक टी शर्ट। जींस में हम यहाँ पर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस भी स्टॉक आइटम में ही सेट करना चाहते हैं। उसके लिए हमने इसकी यूनिट रखी है नंबर्स, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अल्टर स्टैंडर्ड रेट्स। इस ऑप्शन के थ्रू हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस डिफाइन कर सकते हैं। इस आइटम को हम किस स्टैंडर्ड रेट पर खरीदना चाहते हैं और किस स्टैंडर्ड रेट पर सेल आउट करना चाहते हैं। तो जब भी हम परचेज और सेल्स की एंट्री करेंगे, ऑटोमेटिक आप जब भी ये आइटम सेलेक्ट करेंगे तो परचेज इनवॉइस में इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी और सेल इनवॉइस में इसका सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा। इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए आपको F12 प्रेस करना है। F12 में लास्ट से सेकेंड ऑप्शन इनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम, ये आपको दिखाई देगा। इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद जब स्टॉक आइटम आप क्रिएट करेंगे तो इस ऑप्शन को फिर से यस करने पर आपको इस तरह से विंडो दिखाई देगी, जहां आप स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर सकते हैं और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहां मैं केवल सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूं कि ये आइटम जींस जो आइटम है उसे मुझे 1000 में सेल आउट करना है, तो मैंने वहां पर ये रेट सेट कर दी है। देन हमें इसकी जीएसटी डिटेल यानी टैक्स सेटअप भी करना है, तो उसके लिए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में आप जाइएगा और यहाँ पर आपको ऑन वैल्यू की जगह पर ऑन आइटम रेट कैलकुलेशन टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे आप ऑन आइटम रेट कैलकुलेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे, देन आपको इस तरह की एक विंडो दिखाई देगी जहाँ पर आप स्लेब रेट सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किया है, 0 से लेकर अप टू 1000 रुपीज़ तक टैक्सेबल आइटम रहेगा और इस प्राइस पर हमें 5% जीएसटी चार्ज करना है। इसी तरह से 1000 से ऊपर जितना भी प्राइस होगा उस प्राइस पर यदि हम सेल आउट करेंगे तो वो भी हमारा टैक्सेबल होगा और उस पर जो टैक्स रेट रहेगा वो 12% रहेगा। तो इस तरह से मैंने दोनों ही आइटम जींस और शर्ट दोनों पर ही टैक्स रेट आइटम लेवल पर सेट कर दिया है, और परचेज की एंट्री मुझे ना करनी पड़े इस वजह से मैंने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ले लिया है और इसे सेव कर लिया है। आप इसी तरह से टी शर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, सेम उसे भी मैंने इसी तरह से कॉन्फिगर किया है। आइए अब चलते हैं सीधे सेल्स की एक एंट्री मैं पोस्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हमें सेल्स इनवॉइस में एंट्री करनी है और उसके साथ डिस्काउंट को किस तरह से कॉन्फिगर करना है। सपोज हमारी पार्टी है बालाजी लिमिटेड, जो एक लोकल पार्टी है, इसे हम सेल आउट करना चाहते हैं टी शर्ट 10 नॉम्स 1000 ईच। अब देखिएगा दोस्तों, 1000 ऑटोमेटिक आ गया है क्योंकि हमने इसका सेल प्राइस स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त ही सेट कर दिया है। आप यदि यहाँ चाहें तो इसका सेल प्राइस चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं इसे 1000 पे रख रहा हूँ, और दूसरा जो हमारा आइटम था वो था जीन्स, उसका भी 10 पीसेस हम सेल आउट करना चाहते हैं और इसका रेट मैंने 2000 सेट कर दिया है। अब यदि आपको इस इनवॉइस पर डिस्काउंट देना है
तो उसके लिए डिस्काउंट आप यूज़ कीजिएगा, और डिस्काउंट में जो भी परसेंटेज आप देना चाहते हैं वो परसेंटेज आपको माइनस के साइन के साथ यहाँ देना होगा। अब आप देख रहे होंगे कि डिस्काउंट की ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं हो रही है, आपको खुद यहाँ पर डिस्काउंट सेट करना होगा। मैंने यहाँ 3000 टाइप कर दिया है और इस इनवॉइस पर CGST और SGST यहाँ पर चार्ज कर दिया है। दोस्तों जब हम ऑल्ट ए ऑल्ट F1 करके देखते हैं तो जो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर टैली शो कर रहा है वो शो कर रहा है 30,000, जबकि डिस्काउंट के बाद वैल्यू हमारी कुछ और आनी चाहिए थी। डिस्काउंट का अमाउंट मेन अमाउंट से लेस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें डिस्काउंट का जो लेज़र क्रिएट करना है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। कंट्रोल एंटर से मैं डिस्काउंट के लेज़र में अल्टर मोड में आ चुका हूँ। डिस्काउंट का मैंने लेज़र क्रिएट किया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर टैली हमसे पूछेगा टाइप ऑफ लेज़र। दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप ऑफ लेज़र में डिस्काउंट नहीं लेना है, इसे रखना है हमें नॉट एप्लीकेबल। और नीचे की तरफ टैली आपसे पूछेगा इस GST एप्लीकेबल, इसे भी आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। लेकिन यहाँ पर हमें यूज़ करना है इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर GST ऑप्शन को, देन अप्रोप्रिएट टू गुड्स। मेथड ऑफ कैलकुलेशन में हम यूज़ करने वाले हैं बेस्ड ऑन वैल्यू, और हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि जब हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे, मैं फिर से आपको इनवॉइस क्रिएट करके दिखाता हूँ। स्केप करके मैं बाहर आ जाता हूँ, फिर से आपके लिए इनवॉइस क्रिएट कर देता हूँ। बालाजी लिमिटेड सेल्स वही आइटम टी शर्ट 10 norms 1000 ईच, शर्ट जीन्स 10 norms 2000 ईच। अब हम जब डिस्काउंट यूज़ करेंगे यहाँ पर, जैसे आप 10% टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक 3000 यहाँ शो हो गया है, लेकिन हमें इनवॉइस वैल्यू 33,000 दिखाई दे रही है, जबकि ये 30,000 में से लेस होनी चाहिए थी। तो दोस्तों जब भी आप डिस्काउंट का यूज़ करेंगे तो उसके साथ आपको माइनस का साइन भी पुट करना है, देन ये वैल्यू हमारे इनवॉइस की वैल्यू में से लेस होगी। अब जो कस्टमर है वो 27,000 पर GST हमें पे करेगा, तो आप GST की कैलकुलेशन देखेंगे CGST और IGST तो आपको परफेक्ट दिखाई देगी। चलिए मैं ऑल्ट ए ऑल्टर F1 करके आपको दिखाता हूँ। सेल्स टैक्सेबल अब 27,000 आ रहा है, 30,000 का हमारा गुड्स था उस पर हमने 3,000 डिस्काउंट ऑफर किया है, तो हमारी अब सेल्स टैक्सेबल जो दिखाई दे रही है वो 27,000 दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने जो स्लैब रेट्स डिफाइन किए थे अप टू 1000 हमें 5% चार्ज करना था, और 1000 से ऊपर अगर प्राइस है तो वहाँ पर 12% चार्ज होना चाहिए था, तो वो भी परफेक्टली यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अब यदि आप इसका इनवॉइस प्रिंट करेंगे ऑल्ट के साथ पी, और आप इनवॉइस देखेंगे तो इनवॉइस में डिस्काउंट लेस होकर आपको शो हो रहा है, और टैक्स की सारी डिटेल आपको नीचे की तरफ यहाँ पर शो हो रही है। तो दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक था जो आज हमने डिस्कस किया, मुझे आशा है उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।